मारी बोट रुका जी रुको, बोट गिर के जानी है। ये नहीं चलेगा। ये देखो भाई, मुस्कुराती हुई बोट चुपचाप पतली गली से निकल रही थी, लेकिन ज्यों ज्यों दिन टपे उसके बाद में जयप्रकाश जी ने जो स्पीड पकड़ी है, तो न्यू समझ लो तो जो नई गाड़ी की जो पिकअप हो ना, उस हिसाब से स्पीड पकड़ी थी। वो काम हो गया, जो जो दवा की दर्द बढ़ता गया। नेता अच्छे हैं, काम किए हैं, लेकिन काम कम होने की वजह से जनता भी रुष्ट है। विधानसभा जिसमें की बाहुबली गणे हैं, और इस बार का जो चुनाव है, इस बार का जो इलेक्शन है, वो कई सारे बाहुबलियों के बीच में होना है। तो फिलहाल जिस विधानसभा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, उस विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो मारे दौरे एक गुप्त सूत्र हाथ लग गया। कितने तो धोला होया करे, कितने काला होया करे, कितने बुरा होया करे, मारे दौरे गुप्त सूत्र हाथ लग गया। बजरंग बली भाई, राम रामन राम राम जी, हम भी सारे ठाडू ठाडू राम रामन राम राम जी। तो फिलहाल भाई, जुनसी विधानसभा से मारा गुप्त सूत्र हमने मिला है, वह है फतेहाबाद विधानसभा। काफी हॉट सीट है, क्योंकि पिछले विधानसभा इलेक्शन की बात करा तो काफी आपस में टक्करबाजी है कई सारे आपस में दिग्गजों की। तो बजरंग बली भाई, आड़े कई बजरंग बली हो रहे हैं ताराड़ा क्षेत्र में, तो थोड़ा बैठ जाए भाई, थोड़ा टिकाई तो करांगे, जमा टिकाई तो देसी पड़ताल करांगे। तो कांग्रेस के दावेदार की अगर मैं बात करूं, फतेहाबाद विधानसभा है, तो भाई फतेहाबाद विधानसभा है। फिलहाल जो भी दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं, गेले गेले कॉमेंट भी करते रहो, और भाई गेले गेले शेर सवा शेर गब्बर शेर भी करते रहो, कितने तो चाह पे चर्चा हो करे। और भाई कैमरामैन ते कहूंगा फोकस करो, न्यून ध्यान ना करे भाई, कैमरामैन फोकस करो, तो कितने तो चाह पे चर्चा हो करे, लेकिन आड़े होके पे चर्चा हो रही है। न्यू क्या इसमें पांच देवता निवास करे हैं, और छठा देवता यू लिख रहे क्या भाई, जाट देवता। पांच देवता तो इसके भीतर है, और छठा देवता की नेम प्लेट लाग रही है। तो बजरंग भाई, बर्थडे सर लावांगे, बोनी करांगे। सबसे पहला बाहुबली है कुलबीर बेनीवाल, किस तरह का बैकग्राउंड है कुलबीर बेनीवाल का? कुलबीर बेनीवाल जी 2005 का XMLA है कांग्रेस से, और काम भी अच्छे करवाए हैं। अच्छा। और उस टाइम से लेके अब तक ये हल्के में सक्रिय भी रहे हैं। अच्छा, सक्रिय राजनीति में सक्रिय रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कुलबीर बेनीवाल का अच्छा रुझान है, काफी दमखम है। चलो रोल नंबर दो की अगर मैं बात करूं, तो भाई बलवान दौलतपुरिया। उनका आग्रह बोले कौन सा काम का है, बोले भाई दूध लगा हूँ। बोले फिर तो खूब दूध पींदा होगा, कहा आग्रह नहीं जी। बोले ना जी होता ही कोनी। बोले एक कटोरा तो फिर भी पींदा ही होगा, ठीक कम है। बोले एक कटोरा तो फिर भी पींदा ही होगा। तो दौलतपुर का है तो घनी दौलत होगी इसके। तो बलवान दौलत तो खैर अच्छी है इनके पास, क्योंकि इनका कारोबार बड़ा है। बलवान दौलतपुरिया भी हमारे वहाँ फतेहाबाद जिले से XMLA हैं। अच्छा। इनेलो से इलेक्शन लड़ा था, उस टाइम ये विजयी हुए थे। ठीक है। और इनेलो से जब बट्टू हल्का टूटने के बाद फतेहाबाद में जब नया परिसीमन होया उस टाइम फतेहाबाद से इलेक्शन लड़ा था इन्होंने। तो सक्रिय ये भी हैं, ये भी हैं। यानी कि एक जंगल में दो शेर तो है लिए भाई, बाकी और भी आने बाकी हैं। जाए तो कहूँ था कि फतेहाबाद विधानसभा से बाहुबली गणे हैं, किसका जोर मतलब कौन दाव पेच की राजनीति। पहले तो टिकटमबाजी का दौर चलेगा, फिर जितमबाजी का दौर चलेगा, फिर न्यू देखा जाएगा कौन जिताऊ है कौन टिकाऊ है। तो तीसरा नाम की बात करा तो बजरंग भाई विनीत पुनिया जी है, ये हैं राहुल गांधी की टीम के आदमी, यानी नुकाश कहा राहुल गांधी के करीबी हैं और ये दिल्ली रहते हैं ज्यादातर। अच्छा। तो अगर टिकट मिलती है तो किस्मत है इनकी, उसका दिल्ली रहने का सबसे बड़ा कारण ये भी हो। हाँ जी, दिल्ली रहने का कारण ये भी हो सकता है कि टिकट इनको मिले। ये कृष्णा पुनिया का लड़का है ये? हाँ जी, कांग्रेस नेत्री कृष्णा पुनिया जी के लड़के हैं ये, और फतेहाबाद जिले में ही रहते हैं। बजरंग भाई, दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक तो हुआ चेहरा मजबूत, दूसरा हुआ पार्टी टिकट दे दे तो मजबूत हो जाए। हो तो चेहरा मजबूत नहीं कह सकते जी। नहीं हो तो कौन, मैं मतलब टिकट मिल गई तो मजबूत हो जाएगा, तो पार्टी की तरफ से ये सॉलिड कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन चेहरा मजबूत नहीं है। क्योंकि चेहरा मजबूत बनाने के लिए गांव के अंदर पैंठ बनानी पड़ती है, और गांव जाना पड़ता है, ग्राउंड जीरो पर रहना पड़े, ग्राउंड जीरो पर रहना। अभी तजुर्बा नहीं है, वो अभी तजुर्बा उतना नहीं है, क्योंकि ज्यादातर दिल्ली रहे हैं। अच्छा, प्रहलाद गिल्लाखेड़ा की बात करा, जो कि दो बार इलेक्शन लड़े हैं, तो किस तरह का केरा दो बार का? वो दोनों बार इलेक्शन हार चुके हैं कांग्रेस पार्टी की टिकट से। अच्छा। नेता अच्छे हैं, काम किए हैं, लेकिन काम कम होने की वजह से जनता भी रुष्ट है। अच्छा बजरंग भाई, हार होया करे, एक तो करीबी मामला होया करे,
ना। और एक और काफी मोटा अंतर, काफी डिफरेंस से आ रहे हैं, काफी डिफरेंस से। और मेरे सुनने में तो ये भी आता था कि शायद एक दो एक बार तो शायद जमान जब्त भी होगी थी। अच्छा, हाँ जी, तो काफी गणित खराब है, मतलब काफी गणित लूज है थोड़ा। लेकिन भाई फिर भी वही बात, किस्मतों का खेल है, बदरंग बद का खेल है। अगर टिकट मिलती है तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन टिकट पहले भी पार्टी के पास से ली थी इन्होंने, कांग्रेस से लड़े थे। अच्छा, कांग्रेस की टिकट पे ही दो बार इलेक्शन, टिकट पे ही इलेक्शन लड़े थे, और दोनों बार ही हार का सामना करना पड़ा। तो फिलहाल जितने भी दर्शक हैं भाई, वहाँ गेले गेले न्यू भी बता दे रहे हो कि इस बार पूरे प्रदेश में किस तरह का माहौल है। कुछ पाँच नौजवान वोट बैठी हमारे, इन भाई पूछेंगे। हाँ भाई, के लग है तो फतेहाबाद है, फतेहाबाद में किसका किसका कांग्रेस के लगे स्पेशल आना ले भाई, कांग्रेस के लगे जी कांग्रेस। हाँ भाई, तो हम कौन सी विधानसभा थे आप? कैथल कलात है, कलात में किसका जोर है? कांग्रेस का, कांग्रेस का। एक बात है भाई, सारे सलाह करके बैठे हैं, तो तेरा क्या नाम है? गौरव है। थोड़ा सा मिशी आजा दिखन दे, समाइल दिखन दे। हाँ गौरव भाई, के लग गरीब का किसका मोल है पूरे प्रदेश में ओवरऑल? कांग्रेस। ये नहीं चलेगा। ये देखो भाई, मुस्कुराती हुई वोटर चुपचाप पतली गली से निकल रही थी। बताओ जी, किसका मोल है? मोल तो कांग्रेस का जी, बाकी देखो वोट सभी ने मिले। हाँ, वोट सभी ने मिले। आपका कौन सा हल्का है? क्लियात। क्लियात में कमलेश डंडा की पोजीशन है? तो जीरो पाया। अच्छा, हाँ, जय तक कांग्रेस का जोर है। हाँ जी, कौन सा हल्का पड़ेगा आपका? कल्यात है जी। कल्यात में क्या लगा आपने? कांग्रेस का जी। कल्यात में किसकी बनेगी बात? बात तो टिकट मिलने के बाद पता लगेगा। कांग्रेस में दावेदार कौन है कल्यात है? चार पांच है नी दावेदार तो। हाँ जी, चलो भाई, चार पांच पहलवान है ठाडे ठाडे जो लंगोट पीड़े खड़े है। हाँ जी, मैं फतेहाबाद जिले से हूँ, लेकिन जयप्रकाश जी जो हिसार से एमपी जीते हैं, उनका रुझान वहां तक जिक्र है कि अगर कलायत से इनके बेटे को टिकट मिलती है। अच्छा, तो विकास है शायद 100% विजयी होंगे कांग्रेस की टिकट से। बड़ा गणित बताने लग रहे हैं, फतेहाबाद तक जिक्र है इनके। हमारा तो देसी सूत्र है, पूरा देसी गणित ले रहा है और सारा हिसाब किताब बता दिया है। तो हमने केला गया, तो हम भी अपनी अपनी राय लिख दियो। जयप्रकाश जी के भाई रणधीर सिंह भी एमएलए रहे हैं, लेकिन जयप्रकाश जी का जो रुतबा है उसको देखते हुए अगर ये अपने बेटे को टिकट दिलवाने में सफल हो जाते हैं तो 100% ये सीट उनकी अपनी होगी। हाँ जी, आपने क्या लगा? भाई मामला नहीं लग गया, एपी का छोरा टिकट लिया, 100% जीता। हालांकि लोकसभा इलेक्शन में जेपी को जब टिकट दी गई थी तो लोगों ने न्यू लागत था, हाँ टक्कर मानी गई थी, लेकिन टक्कर इसी दी के चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को शिकस्त दे दी। में रणजीत सिंह चौटाला का इलेक्शन बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन ज्यों ज्यों दिन टपे उसके बाद में जयप्रकाश जी ने जो स्पीड पकड़ी है, तो न्यू समझ लो तो जो नई गाड़ी की जो पिकअप हो ना, उस हिसाब से स्पीड पकड़ी थी। वो काम हो गया, बोले जो जो दवा की दर्द बढ़ता गया। तो बीजेपी का जो गणित है लोकसभा इलेक्शन का, वो काफी चिंतन करने पर मजबूर करे है भारतीय जनता पार्टी को। विधानसभा में किस ढंग की तैयारी करनी पड़ेगी? हालांकि चुनाव आयोग को जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बड़ोली, उनके द्वारा लेटर भी लिखा गया, अगर भाई चुकरे दो दिन आगे पाछे हो जाए चुनाव, तो हमने तैयारी करने का मौका मिल जाए। वो भी एक बहाना ही है, इलेक्शन आगे सरकार ने कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना और कुछ बहाना। वो बांफ गए अपने हालात बांफ गए। आपने लेटर लिखा है चुनाव आयोग को, इसके बारे में क्या कहना भाई? ये सारी इनकी राजनीति के सौदे हैं, न्योरी है निकड़े निकड़े दापे चोर पसजा चेपा है जगातार चेपा अंदा को नहीं कहने का इबका गई बीजेपी का काटे पाट। आपकी क्या राय है? कांग्रेस है भाई साहब। कांग्रेस है। कौन से विधानसभा में? किल्यात। किल्यात में पक्की बात है? 100 की 100। तो भाई तमने के लग गया है, किसका 100 की 100 गणित लग गया है? फिलहाल यह खास चर्चा फतेहाबाद विधानसभा को लेकर के हम आए थे। हालांकि कुछ वोट दूसरे हल्के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से भी कुछ रुझान हमने लिया है। बाकी पूरी पड़ताल करके तारती बताओगे, कलायत का गणित भी, कैथल का गणित भी बताओगे, फतेहाबाद का गणित हमने किसा लग गया कमेंट सेक्शन में लिख दियो जरूर अपने अपने क्षेत्र का। फतेहाबाद का तो लिखियो। इसके गिले गिले जो भी दर्शक जुड़ से विधानसभा क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, अपना अपना गाँव का नाम, अपना अपना हल्का का नाम और अपना अपना नेता का नाम, जो कि सबसे मजबूत है, सबसे ठाडा है, सबसे मजबूत दावेदार हमने कौन लग गए, उसका नाम और भाई पार्टी का नाम जरूर लिख दियो। आज के दिन तो कुलबीर बेनीवाल की पैंट अच्छी है। अच्छा, लेकिन समय के साथ साथ अगर टिकट किसी को मिलती है तो कुछ कह नहीं सकते। वक्त बताएगा। चलो कुछ चीजें वक्त पे छोड़ देते हैं।
बोले उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया और जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग छाया। इस महफिल का जब दस्तूर देखा जिसे सबक याद था उसे छुट्टी ना मिली। चलो भाई कर दो शेयर, मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू, जय जवान आंदो जी था जुड़ा, जय जवान जय जवान। चलो भाई के सभी चैनल के दर्शकों को और आपके कार्यकर्ताओं को और आपको बहुत बहुत बधाई। चलो बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत कर दो भाई शेयर।